एक्ट्रेस अदिति पोहनकर वेब सीरीज की दुनिया में खूब नाम कमा रही हैं। वह पहले क्राइम थ्रिलर शी में नजर आई थी, वहीं अब वह एमएक्स प्लेयर की सीरीज आश्रम में नजर आ रही है। अदिति आश्रम में बॉबी देओल जैसे दिग्गज के साथ काम कर रही हैं। उनके पम्मी के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है। अदिति इस सीरीज में एक रेसलर की भूमिका में है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में अदिति ने बताया कि शूटिंग के दौरान बॉबी देओल ने उन्हें एक नेक सलाह दी। बॉबी देओल ने उनसे कहा कि मैं काम करते करते रुक गया था, तुम कभी मत रुकना। अदिति कहती हैं कि यह बात बॉबी देओल ने अपने अनुभव से कही है और वह इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाँ बाबा जी के साथ मेरे काफी वो है। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं लोगों मेरे भाई से कहती हूँ कि बाबा जी तो भगवान है हमारे लिए तो हमारे लिए जो है ना। और जब वो लड़ाई करती है तब मैं भी ऐसे किसी आदमी को जानती हूँ जिसकी लाठी हम सबके बराबर है। तो ये क्या बात है। वैसे मैं आपको ज्यादा आपको परेशान नहीं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ शूटिंग काफी पहले हुई थी, लेकिन आपने एक्सेंट को अच्छा पकड़ के रखा है। आप इस एक्सेंट में बात कर सकती हैं लगातार? हाँ मैं तो अभी आजकल मतलब जैसे कि मेरी जो वहाँ की लड़कियां है जो हरियाणी मतलब जो रेसलिंग एरिना उनके मैं टच में हूँ तो मुझे फोन करती है बोलती है दीदी आ जाओ ना, अब क्या कर रहे हो दीदी आ जाओ ना, पता नहीं क्या हो रहा है मैं तो राजकोट में हूँ। तो मैंने कहा लाडो, उसका नाम लाडो है, बहुत क्यूट सी लड़की है, रेसलर है, आप देखेंगे ना डर जाएंगे, बात ऐसे करती है बच्चों की तरह, 16 साल की है। तो मैंने कहा लाडो मैं बॉम्बे में हूँ ना, अभी मैं कैसे आऊँ, तो मैं बॉम्बे आ जाता हूँ ना ये तो मुझे तो पता है मुझे तो मालूम नहीं है। तो दिस इज हाउ यूजली आई टॉक टू हर। देखिए पम्मी अभी आप ना लैंग्वेज इसी लैंग्वेज को पकड़ के रखिए, उसी में हम बात करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पम्मी से प्यार हुआ है मतलब कि अब जो युवा हैं वो पम्मी जैसी लड़की को पसंद कर रहे हैं, एक नया उदाहरण है। कभी कभी ऐसे किरदार और कैरेक्टर आते हैं जिससे लोगों को प्यार हो रहा है, आपने इतने अच्छे से निभाया है कि युवा उसे पसंद कर रहा है, कभी अपनी प्रेमिका के रूप में, कभी अपनी बहन के रूप में, और सोचता है हमारे घर की लड़कियां ऐसी हों। तो आपको लगता है कि एक बदल रही है महिलाओं को देखने का नजरिया, उन्हें पसंद करने का एक नजरिया बदल रहा है पुरुषों में? जी जरूर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो पम्मी अगर आप एक लाइन में बोलो ना, मतलब एक वर्ड में अगर पम्मी को डिस्क्राइब करना हो तो मुझे लगता है पम्मी इज अ वो बहुत उसमें करेज है, बहुत करेजियस लड़की है जो ये काम कर चुकी है जो मैंने किया है अभी सीरीज में आप देखेंगे। तो जैसे कि रेसलिंग करना क्या फर्क पड़ता है, वहां की औरतें ऐसी बोलती है छोरा छोरी हो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो छोरी हो ना, वो क्या मुलायम मुलायम से हथेली है देखो, सब आके टच कर रहे थे मेरे हाथ को कि इसकी हथेली कितनी मुलायम है देखो। सो यू नो लड़का लड़की में फर्क नहीं समझ आता वहां पे, अगर आप रेसलिंग अरीना में जाओ तो एक दूसरे को हाँ मारते रहते हैं जैसे भी, और छोटे छोटे बाल होते हैं उनके, तो जब बात करती है तभी समझ आता है, और जब वो कोने में ना लड़के नहा रहे होते तभी वो यहाँ से चली जाती है ऐसे करके। तो मैंने कहा क्यों अब क्यों अब क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग, नहीं नहीं वो भैया लोग है वहां नहीं देखते भैया लोग है। एक नजरिया जरूर बदल रहा है और मेरी एक there's a constant effort I would say that is agar aap dekhenge she mein bhi maine ek portray kiya jab bhi main bolti hu ki mere ko usme bhi maine ek alag sa accent zarur kiya tha par wo bolti hai ki main darti hai par ab dar ke samna karungi ha so in ashram also she saying wo hame dabak ke rakhte hai kyunki hum dabte hain wo hame dabak ke rakhte hain so शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि और प्रकाश झा जी जो है सर वो भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप दबोगे तो लोग तो तुम्हें दबाने ही वाले हैं बॉस, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अगर आप अपने हिसाब से चलोगे और आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो एक सही तरीके से कर रहे हो, मतलब उसमें ये नहीं कि मैं गुंडागर्दी की बात करूँ, पर हाँ जरूर लड़कियाँ बदल रही है, आज हम 2020 में है और लड़कियों ने बदलना भी चाहिए। इनफैक्ट वो विक्टिम मोड अभी बंद कर दो, गो एंड लर्न
सेल्फ डिफेंस, गो एंड लर्न एवरीथिंग एल्स. अगर आप बोल रहे हो कि हम बराबर के हैं तो बराबर के हैं भाई, उसमें क्या है. और दबने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है. सी वन थिंग आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज संजय जी, दैट इज एजुकेशन. बिकॉज उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है. या तुम एजुकेशन वहाँ करो या स्पोर्ट्स में करो, चाहे जहाँ पे भी करो, जहाँ आप आत्मनिर्भर हो जाते हो, वैन योर सेल्फ यू आर इंडिपेंडेंट, उसके बाद तुम्हें डरने की तो कोई जरूरत है नहीं. क्योंकि देखो फ्रॉम सती टाइम टू नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, वुमेन आर सप्रेस्ड ओनली. ओके, बट वाई आर दे सप्रेस्ड? क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो. तो पम्मी के थ्रू मैं अगर मैं कहना चाहूंगी कि मैंने ये कैरेक्टर भी क्यों किया, क्योंकि वो लड़की में जो धैर्य, जो करेज है, वो करेज देख के किसी ना किसी को तो साहस आएगा ही आएगा. तो उसमें से 100 में से एक भी लड़की मेरे जैसी निकली कि अरे इसको हम लोग को फॉलो करने गए, आई वुड बी वेरी हैप्पी. प्रकाश झा जैसे बड़े डायरेक्टर और बॉबी देओल जैसे बड़े एक्टर को से कोई एक बात जो आपने सीखी और हम लोगों को पता नहीं है, या कोई उनका सीक्रेट जो आप बता सकती हैं हमको, वो हमको बता दीजिए. मुझे बॉबी देओल ने जो कहा था, एक बहुत मुझे अच्छी तरीके से याद है. उन्होंने कहा था कि कभी भी रुकना नहीं, काम करते रहो. मैं रुक गया था. वो बहुत सहजता से अपने बारे में सब बता देते हैं सबको, यू नो. उन्होंने कहा कि तुम अभी नहीं हो तो कहीं पे भी रुकना मत. कीप ट्राइंग एंड यू आर डूइंग वेरी वेल. एज सून एज यू हैव कम, यू हैव गेन्ड ऑल दिस. तो एक है लगन से करते रहो, जो मेरा भी खुद का एक बिलीफ है. और प्रकाश सर से मैंने जो सीखा है वो है करेज. आई वुड रियली से दैट, क्योंकि वो खुद इतने करेजस है ना. आई एम टेलिंग यू ना संजय जी, सुबह सुबह 5:30 बजे आप देखेंगे बारिश हो रही है, ठंड हो रखी है, दिसंबर का महीना है, 31 दिसंबर सबसे ज्यादा ठंड होती है वहां पे. सर उधर बॉपीज कर रहे हैं, मतलब जिम में. wow. और फिर सेट पे जाते हैं, फिर रात को पैकअप होके घर जाते हैं, जो भी है, और दूसरे दिन का काम करते हैं. बस काम करते रहो, और जो आपको उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है ना, जो फल बोलते हैं, वो मिल ही जाएगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ये दो चीजें मैंने जरूर सीखी है इन लोगों से.